बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह के फजल व करम से हंसते मुस्कुराते खुशोखरम होंगे। आज मैं आपको बता रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ड्रेस जो कि मेरे भाई ने तैयार किया है। पहले भी मैं बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ जो है वो डाल चुकी हूँ। और ये देखिए, ये गला है और ये जो है ना, ये शीशों का काम किया हुआ है इस पर, ठीक है। ये देखिए, ये जो है ये लगे हुए हैं ना, ये शीशे हैं। ये देखिए, ये शीशे हैं और ये तिल्ला है और इसमें एक एक सितारा लगा हुआ है, ठीक है। और ये जो है इनके अंदर शीशे लगाए हैं भाई ने, और अभी वो लेकर ही आए हैं ये काम जो है, शीशे जो हैं इन पे लगाने के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ वो भाई लेकर आए हैं अभी अभी, और मैं आपको उसका मटेरियल भी दिखाऊंगी। तो ये है इसका बॉर्डर और ये गला तो मैंने आपको इसका दिखा दिया, और ये इसका छट्टा है। और ये एक और बात है कमाल की, ये कि ये लॉन पे हुआ हुआ है ये काम। गर्मियों का काम है, गर्मी का स्टफ़ है, आप गर्मी में आराम से पहन सकते हैं और शादियों में भी बड़ा अच्छा सा ये रहेगा। तो ये इसका बॉर्डर है, ये देखें बॉर्डर भी बड़ा ज़बरदस्त किया है। और ये जो है ये रेशम है और ये तिल्ला लगाया है, साथ में एक एक सितारा है इसमें गोल्डन कलर का, ठीक है। ये देखें, ये तिल्ले से इसकी फिलिंग हुई हुई है, ये वाली जो चीज़ है ना, ये देखें ये तिल्ला है, ठीक है। और ये देखें बॉर्डर जो है ना इसका, ये देखें ये सितारों की लाइन है और साथ में तिल्ला है, ये देखें। और ये जो है ये रेशम है साथ साथ, तो बड़ा ही अच्छा सा एक मतलब इसकी लुक आ रही है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये जो है डिज़ाइन है। और हल्का फुल्का गर्मी की मुनासिबत से कलर भी बड़ा प्यारा है इसका, टी पिंक और ऊपर ऑफ वाइट और गोल्डन सा इसका काम है। बीच में शीशे हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक सा लुक दे रहे हैं इसको। तो इसका मटेरियल जो है ना वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये इसका जो है वो शीशे जो हैं इस पर लगाने के लिए कम हो गए थे तो ये शीशे भी लेकर आए हैं। ये देखें इस तरह होते हैं और इनको गम के साथ लगाया जाता है, ये जो है ना इस फॉर्म में होते हैं, ठीक है। ये देखें अभी ये पैकेट में है, मैं नहीं खोल रही हूँ उसको क्योंकि मैंने खोले तो बच्चे हैं यहाँ पर और सारे बच्चे जो है ना इसके टूट पड़ेंगे, ठीक है। और ये देखें, ये जो सेट करते हैं अड्डा, ये उसकी चीज़ें हैं, ये इसको खड़ा करते हैं और इसके ऊपर जो है ना ये अड्डा जो है वो इस तरह लगाते हैं। अच्छा, ये हैं जी रेशम की नलकियाँ जिससे ये काम करते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे मटेरियल हैं इसके जो मैं बताऊं, और ये जो मटेरियल है ये इसके ऊपर लगा है। तो और इसके साथ का एक और भी पीस है जो अभी इन्होंने तैयार करना है, ये देखें। अभी इसको इतना ज़्यादा नहीं किया लेकिन इस पर भी काम हुआ है और इसको भी करेंगे। तो ये देखें, और जो एक तैयार हो चुका है वो मैं आपको फुल जो है वो मैं दिखाती हूँ। अच्छा जी, और एक ये भी पीस इन्होंने तैयार किया है, ये बाजू है, फिलहाल बाजू बने हुए हैं। इसमें जो है ना ये इसमें पत्थर लगाए हैं इन्होंने, ये देखें ये पत्थर लगे हुए हैं इसमें। तो ये बहुत ज़बरदस्त काम है, ये सलमा किया हुआ है इन्होंने। पर्ल्स हैं बीच में और तिल्ला भी है और कोरा और दबका है बीच में। और ये काम जो है ना ये नेट पे हुआ है, ये देखिए ये नेट है, ठीक है। और बीच में इसके पीछे छट्टा है। तो जी, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।